subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Press the bell icon. Never miss an update. ए वॉम गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. मैं जितेंद्र सिंह महिंद्रा स्वागत करता हूँ आप सभी लोग का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, टॉपिक भाई जीएस जीके को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं. और आज का टॉपिक थोड़ा सा मतलब साइंस से ओरिएंटेड, साइंस से रिलेटेड है. हम लोग यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के काफी सारे सेगमेंट्स को हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों. आज का बहुत ही वाइडली बहुत ज्यादा यूज होने वाला, कई बार वनडे एग्जामिनेशन में कई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसका नाम इन्वेंशन एंड इट्स इन्वेंटर्स. ठीक है ना बच्चों, मतलब जो बहुत बड़े आविष्कार है, आविष्कारक जो है कॉन्सेप्ट ऑफ द एमसीक्यूज दोस्तों हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. और आई होप सो कि आप सभी लोग एंजॉय करेंगे. चलिए बहुत बढ़िया. ओके और सबसे पहले एक छोटा सा हल्का सा मोटिवेशन देख लेते हैं. पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू. है ना, आपको खुद ही अपने आप को प्रेशराइज करना पड़ेगा, खुद ही अपने आप को काम करना पड़ेगा. मतलब कोई भी ऐसा नहीं है दोस्तों जो आपको आकर के आपका काम खुद करेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता. आपको ही करना पड़ेगा, है ना, और हमको ही करना पड़ेगा, हम ही करेंगे, है ना. डेफिनेटली ये भावना आनी चाहिए. चलिए फटाफट आते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट के अंदर. कॉन्सेप्ट कहता है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आ गया आप लोग की स्क्रीन पर. क्वेश्चन कहता है बच्चा लोग, नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु हैड डिस्कवर्ड दैट सम मॉलिक्यूल्स हैव मिरर इमेजेस. फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताएं आप सभी लोग. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया, बेहतरीन. फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दें. बहुत सही, मैं मैसेज देख पा रहा हूँ आप लोगों के. ठीक है, ठीक है और ठीक है, बहुत बढ़िया. मिरर इमेजेस के बारे में बात कीजिए. फटाफट बताएं बच्चा लोग क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से. बहुत सही जी, फटाफट आंसर दे बच्चा लोग. फटाफट आंसर दे बच्चा लोग इस क्वेश्चन का, क्या आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू. लॉर्ड केल्विन है, लुई पाश्चर है, या फिर रॉबर्ट हुक है, या फिर हेनरी भोसले है. बताएं फटाफट जल्दी से, क्या आंसर होना चाहिए आप लोगों का, फटाफट मुझे बताएं. मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स हैव देयर मिरर इमेजेस. बच्चा लोग बताएं फटाफट. बेसिकली यहाँ पर लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड थ्योरी दी थी, और ये थ्योरी देने वाले बच्चा लोग एक मतलब वेरियस वर्जन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स की जो थ्योरी देने वाले कोई और नहीं बच्चा. हमेशा याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लुईस पाश्चर. लुईस पाश्चर इज अ करेक्ट आंसर. ठीक है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा. अणुओं में जो है दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, इस बात की जानकारी हमें सबसे पहले जो दी थी जिस साइंटिस्ट, जिसका नाम है लुई पाश्चर है, यहाँ पर से बी इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया. हाँ, गुड आफ्टरनून, प्रणाम, राम राम, ठीक है, राधे राधे सभी लोगों को एक तरफ से. ठीक है बच्चा, हाँ थैंक यू भाई रवि, थैंक यू विकास, प्रतीक्षा गंगवार, वेरी गुड आफ्टरनून मैम. हाँ ठीक है, जब मैं बरेली रीजन में कभी जाता था क्लास लेने के लिए, तो वहां पर बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मतलब काफी जो है बच्चे हुआ करते थे. मुकेश गंगवार, रोहित गंगवार, ठीक है चलिए खैर शेयर कर दो. अरे थैंक यू भाई विकास, वेरी गुड आफ्टरनून शिवा. अभी थोड़ी देर पहले तो क्लास हुई थी हम लोगों की. मैथिली शर्मा गुप्ता जी नमस्कार भाई, रोशि नमस्कार, विकास ठीक है. लुई पाश्चर, हाँ बिल्कुल एकदम करेक्ट है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको, मतलब अंडरस्टीमेट मत करिएगा. हु इज नोन एज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी. प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है भाई साहब, प्लास्टिक सर्जरी. फटाफट, चरक, जी डी नायडू, सुश्रुत, या नन ऑफ द अबव. देखो एक बात तो कंफर्म है यार दोस्तों, यहाँ पर दो चीजें आ गई हैं, तो अभी एक बात तो कंफर्म है. क्या लगाओगे, कोई देसी होगा या विदेशी होगा, या पुराना होगा या नया होगा, फटाफट मुझे बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से. बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. कुछ लोग बोल रहे हैं ए, कुछ लोग चरक को लेकर के आ रहे हैं. वैसे गलत नहीं है वो अपनी जगह पर, गलत नहीं है, लेकिन थोड़े से लिटिल बिट कंफ्यूज हो रहे हैं वो, थोड़े से दोस्तों लिटिल बिट कंफ्यूज हो रहे हैं वो. हाँ थोड़े से लिटिल बिट कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलिए अब मुझे लगता है कि आंसर यहाँ पर देना चाहिए. बिल्कुल 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 बच्चा, एक बात हमेशा ही याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर से जो करेक्ट आंसर होगा वो सुश्रुत होगा. इन्होंने एक बुक लिखी है बच्चा लोग, एक बुक लिखी जिसका नाम सुश्रुत संहिता. सुश्रुत मैं लिख देता हूं, आर यू टी आर ए, सुश्रुत महिंद्रा, सुश्रुत
संहिता, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, सुसूत्र संहिता, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी बच्चा लोग इनकी, ठीक है। और एंशियंट ट्रेडिशन में बच्चा लोग सर्जरी के मामले में अगर देखा जाए तो इनका काफी ज्यादा बड़ा नाम है सुसूत्र को, ठीक है। फादर ऑफ एंशियंट सर्जरी, बिल्कुल महाकाल एकदम, ये भी करेक्ट है। सी होगा डंके की चोट पर, वो हो रोहित, क्या बात है, गुड, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सुसूत्र इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट भैया, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है, चलो बहुत बढ़िया, बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपन लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपन लोग स्क्रीन पर, नाउ यू कैन सी दैट हु इन्वेंटेड द सेफ्टी ब्रिक व्हिच स्टॉप्ड द एलिवेटर फ्रॉम द क्रैशिंग। लिफ्ट को दुर्घटनाग्रस्त होने से रोकने के लिए सेफ्टी ब्रेक का आविष्कार किसने किया था? क्या ये थॉमस एल्वा एडिशन है, या एली विटनी है, या हेनरी फोर्ड है, या एलिशा ओटिस है? फटाफट आंसर बताएं इस क्वेश्चन का, क्या आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू दोस्तों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जैसा कि मैं यहां पर देख पा रहा हूं, बहुत सही, बेहतरीन, सेफ्टी ब्रेक, सेफ्टी ब्रेक। होता है ना बच्चा, अगर सडन फॉलिंग अगर हो गया, आपको पता है ना, आपको पता है अगर लिफ्ट के अंदर अगर सडन फॉलिंग हो गया तो कुछ भी बचने वाला नहीं, आपको पता है ना, मतलब फिर तो यार एकदम ऊपर से, अगर आप एक बार बताइए, लोग आपने देखा होगा करीब करीब 24-24 माले के ऊपर जाते हैं, अब 24 माले से अगर किसी प्रोडक्ट को ऐसे अगर आप फेंक दो नीचे की तरफ, अगर आप फेंक देंगे तो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब सोचो यार इतना अगर ऊपर से अगर अगर फ्रीली गिर जाए, अगर फ्रीली नीचे आकर गिर जाए तो जाहिर सी बात उसमें जितने भी लोग हैं वो चलिए पूरा का पूरा जो बॉक्स है वो भी तो चैम्बर होता है वो भी चला जाएगा। तो फटाफट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आज के क्वेश्चन बड़े धुआंधार है, इसको जितना ज्यादा से हो सकता है इसको यार वो कर दो, स्प्रेड कर दो भाई, स्प्रेड नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा। हाँ स्प्रेड जरूर करो, देखो हमेशा याद रखिएगा ये कोई और नहीं है, एलिशा ओटिस, एलिशा ओटिस इज अ करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है भाई मेरे, एलिशा ओटिस इज अ करेक्ट आंसर। इन्होंने ही सेफ्टी ब्रेक का इस्तेमाल किया जिससे कि लिफ्ट के अंदर किसी भी तरीके की दुर्घटनाग्रस्त से बचा, दुर्घटना होने से बचा जा सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ, बार बार कहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोड़ना नहीं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आ गए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोग स्क्रीन पर, नाउ यू कैन सी दैट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इज, व्हाइट रिवॉल्यूशन इज, बहुत बढ़िया, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन तो कर ले जाओगे, ये क्वेश्चन अगर नहीं करिए तो फिर मतलब कुछ लोग व्हाइट रिवॉल्यूशन और ग्रीन रिवॉल्यूशन बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही है, ओके, फटाफट 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 जल्दी से बताएं मुझे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसमें क्या है बच्चा लोग, उसमें एम एस स्वामीनाथन है, कुछ लोग विश्वनाथन कराते हैं, अरे चेस वाले वो जो हम लोग चेस खेलते हैं ना, चेस वाले वो विश्वनाथन नहीं है, है ना, तो वो अलग है बच्चा, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन यहां पर बात हो रही है व्हाइट रिवॉल्यूशन, असल में इन्होंने मिल्क प्रोडक्शन में, मिल्क प्रोडक्शन में जबरदस्त तरीके का यहां पर जो है काफी ज्यादा हमको जो है इंक्रीमेंट इसमें देखने को मिला, तो यहां पर एकदम वर्गीज कुरियन इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है वर्गीज कुरियन, ठीक है। इन्होंने काफी ज्यादा मतलब मॉडर्नाइज करने का काम किया है काफी ज्यादा, और इन पर काफी इन्हीं पर डिपेंडेंट काफी हिंदुस्तान के अंदर मिल्क उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है उनकी सप्लाई में मतलब एकदम बहुत ही जबरदस्त तरीके का ड्रास्टिक हमको इजाफा देखने को मिला है, यहां पर वर्गीज कुरियन इज अ करेक्ट आंसर। श्वेत क्रांति दुग्ध से रिलेटेड है, ठीक है बच्चा लोग, दुग्ध उत्पादन से, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोग स्क्रीन पर, नाउ यू कैन सी दैट हु बिल्ट द फर्स्ट वर्किंग प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। बहुत बढ़िया, पहला काम करने वाला, प्रोग्राम करने योग्य इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर किसने बनाया? फटाफट जल्दी से मुझे बनाए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे अगर होता तो आप चार्ल्स वेबेस बोलते, कभी कुछ बोलते, कभी कुछ बोलते, इसीलिए मैंने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, बस अब कुछ रहेगा ही नहीं। बहुत बढ़िया, बेहतरीन परफॉर्मेंस आप सभी लोगों की, बहुत सही। बताइए कौन से थे जो प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल बच्चा लोग कौन सा किया सबसे पहले, फटाफट जल्दी से बताएं। हेनरी फोर्ड, सोच लो, रवि कुमार, ठीक है, सही है, न्यू बॉय हॉस्टल, बहुत सही, बेहतरीन। अब देखो लिसन केयरफुली, चलो लिसन 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 लिसन, यहाँ का करेक्ट हो जाएगा कॉनराड जूसे इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चा लोग। कॉनराड जूसे एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने सबसे पहले प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर को जनरेट किया था, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, सीधे वन वर्ड यहाँ पर क्वेश्चन है, ये आते हैं आपके एग्जाम के अंदर। हु डिस्कवर्ड द इरिडियम लेयर एंड वन द नोबेल प्राइज ऑल्सो, ठीक है, इरिडियम परत की खोज किसने की और
उसके लिए उसको उनके लिए क्या मिला, नोबेल पुरस्कार भी मिला। बताइए हेनरी मोसले, पेरे क्यूरी है या सेंटियागो रेमोन है या फिर लुईस अल्वारेज है, बता फटाफट आंसर क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बेहतरीन परफॉर्मेंस बेहतरीन परफॉर्मेंस, पता फटाफट आंसर क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से। इन्होंने एक थ्योरी भी दी थी जहां तक मुझे याद है, कोई थ्योरी भी दी यार इन्होंने, कोई थ्योरी दी है उसको भी बताइए फटाफट जल्दी से मुझे बताएं आप लोग, मैं आंसर देख पा रहा हूं यहां पर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। डी मैक्सिमम पीपल्स का यहाँ पर डी आ रहा है करेक्ट आंसर, और बिल्कुल एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है। चलो रेडियम की परत खोजने का खोज काम जो है वो लुईस अल्वारेज ने किया, इन्होंने एक थ्योरी दी थी दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा, डायनासोर्स नाम सुना आपने, भले देखे ना हो तो डायनासोर्स तो सुनी होगी, डायनासोर्स के एग्जिस्टेंस को लेकर इन्होंने एक थ्योरी भी दी थी बच्चा लोग, हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्सी ली थी इन द ईयर ऑफ 1968 के अंदर, और बिल्कुल सही है, इनको फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, मुझे आप लोग बाद में बताइएगा चलो कब दिया गया था इनको, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बेहतरीन, ठीक है, तो यहां पर से कंफर्म क्या हो गया अपना, लुईस अल्वारेज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ न्यूरोसाइंस, न्यूरोसाइंस तंत्रिका विज्ञान है ना, न्यूरोलॉजिस्ट आपने देखा होगा पीछे वो मॉडुला ऑब्लिगेटा से लेकर के पूरी बॉडी को जो एक अलग तरीके से मतलब एक कनेक्टिविटी का काम जो करता है बच्चा को, कौन सा करता है हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो, तो बेसिकली अगर न्यूरोसाइंस का फादर किसे कहा जाता है बताए फटाफट क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से, सलीम अली है या एलेसांड्रो गोल्टा है या सैंटियागो रेमोनी काजोलो है या फिर इनमें से कोई नहीं, फटाफट होता है। वेरी गुड आफ्टरनून अमित यादव, डायनासोर्स पर हाँ महाकाल बिल्कुल सही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आते हैं, मैं बार बार कहता हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी करो यार, मैं चाहता हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करें, फटाफट टाइम नहीं लेना, टाइम नहीं लेना, फटाफट दौड़ते रहना भाई, दौड़ते रहना फटाफट जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जी 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 जी, फटाफट जल्दी से मुझे बताएं, जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होना चाहिए, और सुनो इस चीज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, वो कब मिला था ये भी बता दीजिएगा। बहुत सही है बहुत सही, सेंटियागो रेमोनो काजालो, काजालो काजल कुछ भी बोलो, काजल नहीं है, काजल इंडिया में होते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है बच्चा, ओके ओके होप यू अंडरस्टैंड बच्चा लोग, सेंटियागो रेमोनी, ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर बच्चा लोग, इस चीज के लिए इनको 1906 में इन द ईयर ऑफ 1906 1906 के अंदर बच्चा लोग इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, किसके अंदर आपका मेडिसिन के अंदर, ठीक है, न्यूरोसाइंस के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्होंने एफर्ट लगाया बच्चा लोग, और उसका रिजल्ट भी हमको आपको आज भी दिखाई देता, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो न्यूरो साइंस का फादर भी कहा जाता है चलो किसको, सेंटियागो रेमोनो काजालो को, ठीक है, चलिए खैर बहुत बढ़िया, फादर ऑफ न्यूरो साइंस, याद रखिएगा, आ सकता है थोड़ा अलग तरीके से भी क्वेश्चन, चलिए बहुत बढ़िया। हु इन्वेंटेड द कॉफी फिल्टर, बताइए, ये तो बहुत बड़ी काम की चीज उन्होंने की है, अगर कॉफी फिल्टर बना दिया है ना, कॉफी फिल्टर का आविष्कार किसने किया, फटाफट जल्दी से बताएं, क्या वो ऑर्वेले है, क्या वो विल्बर राइट है, या फिर मिनिटा बेट्स है, या फिर निकोला टेस्ला है, ये तो बड़े आराम से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। एट द रेट जितेंद्र महेंद्राज, रोहित गोंड, एट द रेट जितेंद्र महेंद्राज, उसके अंदर जुड़ जाना यार, है ना, एट द रेट जितेंद्र महेंद्राज, कुछ लोग होंगे उनके साथ जुड़ जाइएगा, कुछ लोग हो तो फिर मतलब उसे पेश कर दीजिएगा, एट द रेट जितेंद्र महेंद्राज सर्च करोगे मैं ही आ जाऊंगा, उसके अंदर करीब करीब ऐसे हैं मान के चलिए आप 800 के आसपास बच्चे हैं। लाइक एंड शेयर, थैंक यू यार अमित यादव भाई, थैंक्स भाई, सभी लोग कर दिया करो, देखो मैं क्या कहता हूँ ना, बहुत ज्यादा मत करो, मैं कहता हूँ पूरा ध्यान कैसे में दो, आप लोग पढ़ाई में दो, बस दो मिनट के लिए शेयर कर दिया करो, बस कोई बात नहीं, आएंगे आएंगे, जो नहीं आएंगे वो नहीं आएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो मैं बार बार एक बात को कहता हूँ, मैं बार बार पहले मैं कह चुका हूँ, मुझे गौरव नहीं, मुझे पांडव चाहिए, मुझे वही चाहिए जो एकदम डेडिकेटेड हो भाई, चाहे बुरा लगे किसी को, चाहे सही लगे, जो बात है वो है। कॉफी फिल्टर फटाफट आंसर बता भाई, हम लोग कॉफी फिल्टर पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, कहाँ हम लोग चले गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या होना चाहिए आंसर अकॉर्डिंग टू यू, बोले मेरे प्यारे बच्चों, हाँ कुछ लोग बोल रहे बी, कुछ लोग बोल रहे सी, कुछ लोग बी, कुछ लोग बोल रहे सी, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है ना, डेफिनेटली कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हमेशा याद रखिएगा सही आंसर क्या है, मेलिटा बेंज, हमेशा ध्यान रखिएगा यही नाम है, इन्होंने सबसे पहले कॉफी को जो है डिस्कवर किया था, और इस समय इन्होंने जो यूज किया था तो पीस ऑफ ब्लॉटिंग पेपर, पेपर
की हेल्प से इन्होंने बच्चा लोग इसका आविष्कार किया था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मिलिटा ब्लिट्ज इज द करेक्ट आंसर। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, सी इज द करेक्ट आंसर। बेंच नहीं, वो बेंच अलग है यार, वो अलग है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ ओशिनोग्राफी। ओशिनोग्राफी यूपीएससी के प्रीलिम्स चैप्टर के अंदर सिलेबस के अंदर आता है ओशिनोग्राफी, हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी कभी कभार कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स आ जाते हैं। समुद्र विज्ञान के जनक कौन है बताया फटाफट? मैथ्यू मौर्य है, कार्ल लैंडस्टीनर है, अल्हाज़ेन है या फिर सुसुमु टोनेगावा है? फटाफट जल्दी से बताएं, आंसर होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया और बेहतरीन परफॉर्मेंस, सही है। हाँ सही है, बहुत बढ़िया, जल्दी से बता भाई, जल्दी से बताए, टाइम नहीं है आप लोगों के पास में। ओके ओके, इनको कुछ नाम भी दिया जाता, बड़ा स्पेशल नाम है यार, इनको किसी स्पेशल नाम से जानते हैं वो स्पेशल नाम भी बता दीजिएगा फटाफट जल्दी से मुझे बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से आप बताएं और फिर हम बता रहे हैं। ए सुसुमो टेनोगावा, टेनोगावा श्योरो, श्योरो। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, ऐसा नहीं इंटरनेट पर डालोगे ए आ जाएगा और वो सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी चीजें, हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सही आंसर है मैथ्यू मौर्य। ठीक है मैथ्यू मौर्य, ये वो हमारे मौर्य डायनेस्टी वाले नहीं, बिकॉज मौर्य डायनेस्टी में चंद्रगुप्त डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में इन्हीं का नाम आया था। ठीक है मैथ्यू मौर्य, मतलब मौर्य अपन लोग इसी तरीके से बोलते हैं, मैथ्यू मौर्य है। हमेशा ध्यान रखिएगा, इनको एक नाम दिया जाता है, क्या बोला जाता है? पाथ फाइंडर, लिखता हूं मैं पाथ फाइंडर ऑफ द सीज, मतलब पाथ फाइंडर ऑफ द सीज कहा जाता है, समुद्र का मतलब पाथ फाइंडर, मतलब उसको खोजने वाला। ठीक है बच्चा लोग, स्पेशली नाम है तो जाहिर सी बात है ओशनोग्राफी के जो फादर होंगे, जो फाउंडर होंगे वो कौन होंगे? मैथ्यू मौर्य होंगे। ठीक है करेक्ट हो गया आंसर बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अपन लोग इसके लिए, हाँ मैथिली बिल्कुल एकदम करेक्ट है भाई। हाँ सुसुमु की तरफ नहीं जाना भाई, क्या नाम है? संगीता मैम, संगीता यादव, बहुत बढ़िया बेहतरीन, फटाफट जल्दी से आ जाए पॉइंट बच्चा लोग। हु हैड डिस्कवर्ड टीबी एंटीबायोटिक? स्टेटोमाइसिन, बहुत बढ़िया। टीबी जानते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, वो टीबी नहीं जो हम देखते हैं ना, टीबी वो वाला टीबी नहीं है, वो टीबी अलग होता है, वो टेलीविजन है। कौन लेके आया था? जेल बेयर्ड, वो अलग है यार, ये टीबी अलग है, ट्यूबरकुलोसिस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा टीबी किसकी वजह से होता है बताइए फटाफट, प्रोटोजोआ की वजह से, कि बैक्टीरिया की वजह से, कि वायरस की वजह से, क्या होता है मतलब बताए फटाफट आप लोग मुझे बात। ये जो क्वेश्चन आपसे बीच में पूछता ना, इनके आंसर आप लोग बाद दिया कीजिए। कल एक बच्चे ने पूछा था, कल एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जंतर मंतर कहाँ पर, तो एक बच्चा बोला, मैंने कराया होगा तो दिल्ली उसके अंदर कराया ऑप्शन में, बच्चा कहता सर जयपुर में भी है, तो मतलब देखो अच्छा लगा। फिर मैंने तुरंत उसे टैग करके उससे बोला कि बेटा देखो दिल्ली में भी है, जयपुर में भी है, उज्जैन में भी है, बनारस में भी है, मथुरा में भी है। बहुत बड़े जो राजा जो सवाई जयसिंह हुआ करते थे बच्चा लोग, है ना, बहुत ही बड़े जो है जियोलॉजिस्ट, इनको बहुत इंटरेस्ट था, इनको ये दूर दूर चीजें खगोल विज्ञान, है ना, इनको एस्ट्रोलॉजर बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था इनके लिए। इन्होंने कई जगह जगह पर अपनी वेदशालाएं जो है स्थापित की है, उन्हीं को हम जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चा, हाँ चलिए फटाफट जल्दी से आंसर बताएं, नहीं तो हम है टेंशन क्या लेते हो, हमें नहीं पता, हम है। देखो हमें नहीं आता ये अलग बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है, है ना, कोशिश करो मेरे भाई मैथिली शरण गुप्ता जी। चलिए फटाफट फटाफट, बहुत बढ़िया बेहतरीन, सही है, बहुत सही है और बहुत सही है। स्टेटोमाइसिन, कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया ना, स्टेटोमाइसिन इसका सही आंसर होगा बच्चा, हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा सेलमन वैक्समैन। ठीक है बच्चा, सेलमन वैक्समैन, हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो सेलमन वैक्समैन है बहुत बड़े जो है बायोकेमिस्ट थे। ठीक है बायोकेमिस्ट थे बच्चा लोग, और माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी थे, और इन्होंने क्या किया, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की है। चलो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सेलमन वैक्समैन, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है और मुझे बताइएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस चीज की खोज की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आपने बायोलॉजी में बहुत ही ज्यादा सुना होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में, बाद में मुझे बताइएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस चीज की जो है खोज की है। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चा लोग, क्वेश्चन कहता है हु इन्वेंटेड द बॉल पॉइंट पेन, बताइए क्या बात है बॉल पॉइंट, ये तो स्टाइलस है, लेकिन आपको बचा बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया? फटाफट जल्दी से मुझे बताएं, ये तो बहुत ही मतलब सिंपल, अपन लोग बचपन में बहुत ज्यादा पढ़ा करते थे ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फटाफट जल्दी से मुझे बताएं। बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत सही है, पेंसिलिन का, यहां पर से महाकाल का यहां पर आंसर आ गया सर, पेंसिलिन का। बहुत सही है, गुड तृप्ति मैम, सही है, बहुत बढ़िया, गुड। अब तृप्ति स्टार कह रही है, तृप्ति स्टार, हाँ तृप्ति स्टार कह रही है सर वाटरमैन है, ये गलत नहीं है पता आपको, ये गलत नहीं है, मैं इनको गलत बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ये गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है?
क्योंकि वाटरमैन में बेटा तुम जिसकी बात करो वो फाउंटेन पेन है, समझ रहे बच्चे? मुझे पता है, देखो एग्जामिनर एग्जामिनर बड़ा बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग एग्जामिनर पहले ऑप्शन में ए रखेगा का वाटरमैन। अब तुम क्या करो, चार गोले होते हैं ना, 1 2 3 ए बी सी डी है ना, तुम तुरंत क्या करोगे, भाई मेरे वाटरमैन करेक्ट है मुझे भरने दो, ए बोलो बिल्कुल मत, मैं इस बार टॉप कर रहा हूँ, टॉप कर रही हूँ, इस बार मुझे दरोगा बन जाना है, बी करेक्ट। बेटा गलत हो गया, ये गलत हो गया, तबाही आ गई यहाँ पर। बच्चा हमेशा देखिएगा वाटरमैन 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 आंसर है बच्चा फाउंडेशन पैन का, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है बॉल पॉइंट, जो एग्जामिनर बोलता है कि बॉल पॉइंट ही लेकर के आना। हाँ भाई, रो ब्रदर्स महाकाल, यही तो बात है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नाम क्या थे उनके? लिस्सा जियो, मैं नाम लिखता हूं, लस जियो एंड जॉर्ज, जॉर्ज बायरो, है ना, ये दो भाई हुआ करते थे। तो हमें हमेशा याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा बायरो ब्रदर्स, है ना, जैसे बायरो ब्रदर्स, यही है आंसर। वाटरमैन बिक राइट ब्रदर्स, नहीं राइट ब्रदर्स कहा, कौन सा कॉन्सेप्ट, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। ओहो देखो हिंदी मीडियम देखिए, मतलब ये गूगल भाई साहब है, राइट ब्रदर्स लिखे भाइयों, बहुत बढ़िया, मतलब हंसी आ जाती है, ये भी सही है, कम से कम किसी चीज को मिलकर के हम लोग हंस तो लेते हैं, वरना देख ही रहे आप लोग। चलिए फटाफट जल्दी से फटाफट आ जाए। हाँ तो कंफर्म हो गया, एकदम सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, बायरो ब्रदर्स इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, मैथिली एकदम सही है। और फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन विच डिकेड्स वाज द फर्स्ट सॉलिड स्टेट इंटीग्रेटेड सर्किट डेमोंस्ट्रेटेड, पहला सॉलिड इंटीग्रेटेड सर्किट किस दशक में प्रस्तुत किया गया। इंटीग्रेटेड समझते हो, आईसी का मतलब वो क्या होता है बच्चा, इंटीग्रेटेड। एक बात बताऊं मैं आपको, आपने एक चीज को नोटिस किया है, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है छोटे छोटे कई सारे ऑपरेशंस को हम एक चिप का लाकर क्या करते हैं, प्लांट करते थे, उसी में बोलते हैं आईसी। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड चिप, इंटीग्रेटेड मतलब किसी बहुत सारे ऑपरेशंस को एक छोटी सी सिलिकॉन की चिप पर लाकर माउंट कर देते हैं, उसी को अपन लोग बोलते हैं आईसी। फटाफट मुझे बताएं आईसी को हमने कब देखना, किस डिकेड में, पूरी डिकेड की बात की गई, 10 साल की, हमने किसे देखना शुरू किया, फटाफट मुझे बताएं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आदित्य भट्टी जी समझ में, देखो अभी बीच में से जुड़े होंगे शायद, है ना, बीच में से जुड़े होंगे, मुझे, मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। वो कहते हैं ना जब पहली बार, अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टार्टिंग से ट्रेन में बैठे हुए, अब आप बीच में से चढ़े, तो बीच में से चढ़े तो थोड़ा सन्नाटा कुछ देर तक रहेगा ही रहेगा, होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है भाई। चलिए खैर कोशिश करिए, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती, बाकी जो आपको अच्छा लगे। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट की बात कर रहे हैं, चलो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दें आप सभी लोग, बहुत बढ़िया, टाइम नहीं हम लोगों के पास में, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। हमेशा ध्यान रखिएगा 1950 के दशक में हमने आईसी को देखना शुरू किया, ठीक है बच्चा, हाँ 1950, ठीक है। बैतली शरण गुप्ता एकदम करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ रॉबर्ट रॉबर्ट नॉइसी बच्चा, नहीं मैं बता देता हूं, जैक, मिस्टर जैक केल्वी, यहां इनके नाम को भी याद रखिएगा, इन्होंने डेमोस्ट्रेट किया था आईसी को, ठीक है बच्चा, लो हमेशा याद रखिएगा टेक्सास के अंदर, ठीक है। तो 1950 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट जेबी डनलप इन्वेंटेड, बताएं फटाफट जेबी डनलप ने क्या आविष्कार किया था, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताएं आप सभी। डनलप 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 के क्या आते हैं बताइए, अरे डनलप के क्या आते हैं, सुना होगा यार आपने, डेफिनेटली सुना होगा, कई कबार नहीं बहुत बार सुना होगा, डनलप डनलप क्या आता है। अंकुर खंडेलवाल एक क्या तुम 50 बार लिख दो, समझ में नहीं आएगा आपके, ठीक है, कोशिश करोगे समझने की तो समझ में आएगा, नहीं कोशिश करोगे तो समझ में क्या आएगा, ठीक है, लिखते रहो और अच्छी बात है ये। चलिए फटाफट समझ रहे हो, सोते हुए को जगाया जा सकता है, जो सोने का नाटक कर रहा है उसे कभी भी नहीं जगाया जा सकता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 100 थोड़ी आप 1000 बार लिख दीजिए, ठीक है। चलिए चलिए आइए फटाफट, आपने सुना होगा डनलप का टायर है ना, हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड आफ्टरनून राजीव, रबर टायर ऑफ साइकिल, मतलब सभी बड़े बड़े व्हीकल्स के अंदर आते हैं यार ये। स्मार्ट एजुकेशन मिर्जापुर, चलिए कोई बात नहीं, सबका है, कोई दिक्कत नहीं, कोई शुरू नहीं है। चलिए, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम, रेडियो धर्मी एक पदार्थ, रेडियो धर्मी समझते हो बच्चा लोग, एक बात जितने भी आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, रेडिएशन कंटिन्यूसली होता रहता है, और लास्ट में अगर देखा जाए तो फाइनली वो जाकर के आपके जो है बच्चा लोग उसको प्राप्त करते हैं, वो लोग एकदम कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर बच्चा लोग, हमेशा ही याद रखिएगा, वो लोग जाके कन्वर्ट हो जाते हैं लेड के अंदर,
तो फिलहाल तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? बराबर डेलिस मुझे बताया। बहुत बढ़िया, ये टायर बिल्कुल सही तरफ थी। फटाफट मुझे मुझे बताया फटाफट। चलिए मैं आपको बताता हूँ बच्चा, हमेशा ध्यान रखिएगा। हाँ फटाफट आप लोग एक बार कोशिश करें, कोशिश करें, कोशिश करें, कोशिश करें। बल्कि सर्जन हुआ करते हैं लल्ला, पता कोई इंटरेस्टिंग फैक्टर ये कि वो सर्जन हुआ करते, ही वाज अ सर्जन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। रेडियो एक्टिव सोच लो, मैरी क्यूरी कंफर्म है, कंफर्म कर दे, कंफर्म कर दे, सोच लो, बिल्कुल मैरी क्यूरी। हमेशा ध्यान रखिए, इनका पूरा परिवार, पूरा खानदान ही था यार साइंटिस्ट, है ना, इनके हस्बैंड भी साइंटिस्ट थे। ठीक है, बहुत सही। बैकुरल नहीं है, बैकुरल नहीं है मेरे बच्चे, ठीक है, बैकुरल का अलग कॉन्ट्रीब्यूशन है, मैरी क्यूरी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। When was बर्ग वायर पेटेंट, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब क्वेश्चन आ गया, इसका पेटेंट कब करवाया गया था बर्ग वायर का, ये मतलब आउट ऑफ द सिलेबस आ गया है, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं बच्चा लोग, जोसेफ नाम का एक पर्सन हुआ करता था जो न्यूयॉर्क में बोर्न हुआ था, और उसने बच्चा लोग इसका करवाया था 1874 इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन आ गया है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉट इज द नेम ऑफ कैल्टेक, कैल्टेक सिस्मोलॉजिस्ट Who invented the scale used to measure the magnitude of the earthquakes? आपको पता है, आपको पता है कहीं पर भी अगर आपने देखा होगा अर्थक्वेक आता है तो वहां पर एक स्केल यूज किया जाता है। इसके अंदर जो मार्क होते हैं 1 से लेकर के 10 तक होते हैं, सिर्फ 1 से लेकर के 10 तक। अगर 7 से ऊपर आया तो इसका मतलब बहुत खतरनाक है, 1 से 2, 3, 4 तक आता कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हाँ, फिजिक्स में भी मिला है इनको, केमिस्ट्री में भी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही महाकाल। चलिए, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पैमाने का आविष्कार किसने किया है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट जल्दी आंसर दें इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही क्या आंसर होना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? चार्ल्स रिक्टर, बिल्कुल। अरे भैया, इसको नापने के लिए जिसको यूज किया जाता है रिक्टर स्केल है, रिक्टर स्केल। अब आप समझ सकते हो किससे मापा जाता होगा, है ना भाई, मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल पर, इस बार रिक्टर स्केल पर जो भूकंप आया था उसकी जो बच्चा लोग वहां पर जो हम लोगों ने उसे चेक किया था तो हमने देखा कि वो 7 लेवल का था, तो जाहिर सी बात है। तो रिक्टर, रिक्टर नाम से किससे को? चार्ल्स रिक्टर, ए इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल आंख बंद करके आप कर सकते हो, ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोग स्क्रीन पर, नाउ यू कैन सी दैट। क्वेश्चन कहता है व्हाट गैलीलियो इन्वेंटेड, गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। असल में जो चीजें बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं ना वो लोग अक्सर हम लोग क्या उसके अंदर हो जाते हैं कंफर्म, वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। फटाफट मुझे बताएं, गैलीलियो ने क्या आविष्कार किया था, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं आप सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा याद रखिए, गैलीलियो ने जिस चीज का आविष्कार किया था बच्चा लोग वो क्या है, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिए। यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए फटाफट? थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर है, बैरोमीटर तो हो ही नहीं सकता यार, बिल्कुल नहीं। माइक्रोस्कोप, पेंडुलम क्लॉक, क्या होना चाहिए एकदम? माइक्रोस्कोप, कहाँ से माइक्रोस्कोप, सोच लो माइक्रोस्कोप का, सोच लो। हाँ फटाफट, हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा थर्मोमीटर का। ठीक है, डी इज अ करेक्ट आंसर, थर्मोमीटर का आविष्कार किया था किसने? गैलीलियो ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोगों की स्क्रीन पर, नाउ यू कैन सी दैट। दिस स्टेट्समैन, पॉलिटिशियन, स्कॉलर, इन्वेंटर एंड वन ऑफ द अर्ली प्रेसिडेंट्स ऑफ यूएसए, बताइए। बहुत बढ़िया, मतलब राजनेता भी है, विद्वान भी है, साइंटिस्ट आविष्कारक भी है, और यूएसए का स्टार्टिंग का प्रेसिडेंट भी था। इसने क्या किया? एक जो स्वेल चेयर, द स्पेरिकल जो संडल होती है, संडाल होती है वो, और मोल्ड बोर्ड, और आपका बच्चा लोग एक व्हील का आविष्कार किया, बताइए, सिफर व्हील। बहुत बढ़िया, मतलब इतना बड़ा आविष्कारक भी है। अरे सीधी सी बात है, कौन है जो राजनेता भी है, विद्वान भी है, साइंटिस्ट भी, और स्टार्टिंग का यूएसए का प्रेसिडेंट भी है? फटाफट आंसर बताए इस क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही है, बहुत सही है।
कब तक? सोचो, ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है यार। जॉर्ज वाशिंगटन। क्या बात करते हो, सही है क्या? जॉर्ज वाशिंगटन कंफर्म है? अरे भाई सोचो सोचो सोचो। थॉमस जेफरसन, हमेशा ध्यान रखिएगा 1743 से लेकर के 1826, ये उनका जीवन काल है मेरे प्यारे दोस्तों। और थॉमस जेफरसन ही थे, ठीक है, दी इज अ करेक्ट आंसर। साइंटिस्ट भी थे, बहुत बड़े विद्वान भी थे, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए के प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है बच्चा लोग, हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ जाता है एग्जाम के अंदर। अरे भाई ये स्टॉक हो गया क्या? कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम इसे करा देते हैं। चलिए भाई अब कंफर्म हो गया है ना, कभी कभी हो जाता है। चलिए 1743 से लेकर 1826, ठीक है भाई? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट है बच्चा लोग। हो जाता है कभी कभी, नहीं होगा। जेम्स वॉट, ये क्वेश्चन तो भाई साहब बहुत ही सिंपल है। जेम्स वॉट ने किसका आविष्कार किया था बता फटाफट, प्लीज टेल मी द आंसर बच्चा लोग। जेम्स वॉट ने दोस्तों किसका आविष्कार किया था बताइए, प्लीज टेल मी द आंसर मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत बढ़िया और बेहतरीन परफॉर्मेंस आप सभी लोगों की, बता फटाफट जेम्स वॉट ने किसका आविष्कार किया था? बहुत सही बेहतरीन। इन द ईयर ऑफ 1765 बताए क्या आंसर होना चाहिए? जेम्स वॉट यार, मतलब एक ही चीज के लिए तो बहुत फेमस है ये। 1765 है ना, सुना होगा, माँ के साथ बैठे हुए थे, कोयला अंगीठी जल रही थी, उसके ऊपर केतली रखी हुई थी, अचानक केतली के ऊपर ये कोयला रखते थे वो ऊपर प्रेशर मार देता था, है ना। जेम्स वॉट की बचपन में आपने बहुत कहानी सुनी होगी, कई बार सुनी होगी, बहुत बार सुनी होगी। यो क्वेश्चन अगर गलत हो गया ना भाई साहब, तब तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। रोटरी 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 स्टीम इंजन, अरे स्टीम इंजन भी पकड़ लोगे तब भी समझ में आ जाएगा। डी इज अ करेक्ट आंसर भाई मेरे, डी इज अ करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत बढ़िया बेहतरीन, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चा लोग, वेयर इज द विलेज ऑफ ब्रेंस्टन After which famous pickle is named? मतलब जो ब्रेनस्टन नाम का बच्चा लोग जो गांव है वो बहुत फेमस है, जिसके नाम पर प्रसिद्ध अचार का नाम पड़ा है, फटाफट बताएं कौन सा, कहां पर है ये? बहुत सही है, बहुत सही है, और बहुत सही है, बहुत बढ़िया। फटाफट जल्दी से आंसर दें, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए? हमेशा ध्यान रखिएगा स्टफोर्डशायर, ठीक है, ये करेक्ट आंसर, सी इज अ करेक्ट आंसर, सी इज अ करेक्ट आंसर। थोड़ा ढंग से अंडरलाइन कर दे बच्चा लोग, यहां पर है ब्रेनस्टर विलेज, ठीक है बच्चा लोग, सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु इन्वेंटेड जेट इंजन, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था बताएं? सर फ्रैंक विटल ने, या फिर आपका जो बच्चा लोग है डेमलर ने, या रोगर ने, या फिर लुई सी वाटरमैन ने? फटाफट आंसर बताएं, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया, सही है। जी फटाफट जल्दी से बताएं क्या आंसर होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? सी, अब तो को राइट ब्रदर्स से सर वो तो, अरे राइट ब्रदर्स की हवाई जहाज की बात नहीं कर रहे, जेट इंजन की बात हो रही है यहां पर, है ना। राइट बंधु है, उनका भी कंट्रीब्यूशन है यार, उन्होंने स्टार्टिंग में कोई भी ऑब्जेक्ट उड़ सकता है कि नहीं उड़ सकता है उस बात को, राइट बंधु जिन्हें कहते हैं राइट ब्रदर्स, है ना, उनका कंट्रीब्यूशन है भाई। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बात हो रही जेट इंजन की, जेट इंजन है ना, बहुत ही स्पीडली जो है ऑपरेशन परफॉर्म करता है दोस्तों। तो यहाँ पर एकदम सही आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहे हो? सी, कैसे बोल रहे हो भाई? करेक्ट है क्या? करेक्ट है, सोच लो, लॉजिक लगा लो। प्रतीक्षा गंगवार मैम कंफर्म है? सोचे सभी लोग, फटाफट आंसर दे इस क्वेश्चन का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन, आप लोग कोशिश करें। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फटाफट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, ये जो भी पर्सन था बच्चा, वो कौन था? ही वॉज एन इंजीनियर। क्या हुआ करते थे बच्चा लोग, हमेशा ध्यान रखिएगा, इंजीनियर हुआ करते थे काय के, टर्बोजेट के। टर्बोजेट के ऊपर बहुत सारी रिसर्च की इन्होंने, और रिसर्च करने के बाद फाइनली इन्होंने सबसे पहले जेट इंजन का आविष्कार कर दिया। प्यारे दोस्तों, हमेशा नाम उनका याद रखिएगा, सर फ्रैंक विटल। सर फ्रैंक विटल ही वॉज एन इंजीनियर जिन्होंने सबसे पहले जेट इंजन का आविष्कार किया है। ए इज अ करेक्ट आंसर, ए इज अ करेक्ट आंसर, ए, हाँ ए, ए महाकाल करेक्ट है। मैं थोड़ा सा इन लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था, ठीक है बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इन्वेंशन कॉज्ड मैनी डेथ्स व्हाइल टेस्टिंग इट। किस आविष्कार के कारण उसके परीक्षण करते समय ही कई लोगों की मृत्यु हो गई। आपको पता है ये कोरोना पेंडेमिक में इसलिए देखा जाए, लोग कहते साहब वैक्सीनेशन करवा लो, वैक्सीनेशन करवा लो। पता है आपको, दुनिया गवाह है, कई बार ऐसा हुआ है कि मतलब इंसान बीमारी से उतना नहीं मरा है जितना उसका प्रैक्टिकल होता है, उसका जो एंटीडोट आता है उसकी वजह से मर जाता है। इसीलिए काफी लोगों ने काफी थोड़ा स्टार्टिंग में हिचकिचाए थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर आपको पता ही है पूरी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे वैक्सीन के अंदर। आप आराम से लगवाइए, जरूरी भी है, अर्जेंशियल भी है। कुछ लोग इसका अपोज कर रहे थे, अपोज भाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं बार बार आपको बता देता हूँ, अपोज करने वाली चीज नहीं है ये, इसे कर लीजिए जितना ज्यादा सही है, जितना ज्यादा हो सके उतना, ठीक है। मतलब ज्यादा नहीं, मतलब जितनी दो डोज है दो डोज ले लो यार, भाई ज्यादा क्या करो लेके, है ना। तो यहाँ पर फटाफट जल्दी से मुझे बताया क्या होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पैराशूट कंफर्म है, डायनामाइट, लेडर्स, रेस कार्स या फिर पैराशूट, सबसे ज्यादा मरते हैं पैराशूट से, है ना, कंफर्म हुआ। या डायनामाइट से, डायनामाइट से क्यों मरेंगे यार, सबसे ज्यादा डेथ परीक्षण टेस्टिंग भाई मेरे, टेस्टिंग। डायनामाइट की टेस्टिंग तो एलोन भी हो सकती है, लेकिन पैराशूट की टेस्टिंग कैसे हो जाएगी, है ना। हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, मैनी पीपल्स हु ट्राइड टू टेस्ट द फर्स्ट पैराशूट डाइड बाय जंपिंग फ्रॉम हाई प्लेसेस, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही है। सबसे पहला फर्स्ट जो सक्सेसफुली पैराशूट से नीचे उतरे थे वो कब था, 1797 ईयर वैल्यू था, ठीक है बच्चा लोग। हाँ, कहां पर, फ्रांस के अंदर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो डी इज द करेक्ट आंसर, पैराशूट से सबसे ज्यादा डेथ होती है, ठीक है, टेस्टिंग के दौरान पर, ठीक है बच्चा। चलिए, हु इन्वेंटेड गन पाउडर, गन पाउडर भैया बताएं, बारूद का आविष्कार किसने किया था, भारत के अंदर सबसे पहले बारूद का इस्तेमाल किसने किया था, ये भी बता देना मुझे, भारत के अंदर, इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर, इंडिया, भारत के अंदर सबसे पहले गन पाउडर का यूज किसने किया था, ये भी बता दीजिएगा इसी के साथ साथ। अल्फ्रेड नोबेल इसका कनेक्शन नहीं है, महाकाल अल्फ्रेड नोबेल आपके उससे है, क्या नाम है, बेसिकली अगर देखा जाए तो वो डायनामाइट से, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फटाफट आंसर दे मेरे प्यारे दोस्तों। कोई बात नहीं, मैथिली गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हो जाने दो यार, हो जाने तो होता रहता है। फटाफट आंसर लीजिए, गन पाउडर, गन पाउडर, बारूद का आविष्कार सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों किसने किया था, फटाफट जल्दी से बताएं। हमें सदन लिखे रोजर बैकर ने, ठीक है, रोजर बैकर ने सबसे पहले इंडिया का जो गन पाउडर भारत के अंदर सबसे पहले यूज किसने किया था बताइएगा, बाबर ने, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बाबर ने, है ना। हमेशा ध्यान रखिएगा, गन पाउडर का सबसे पहले बारूद का इस्तेमाल, है ना, सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल भी यहीं पर आता है, ठीक है। उन लोगों के नाम बताइए जो रशियन दो लोग उनको बुलाया गया था स्पेशली उन तोपों को चलाने के लिए, उनका नाम भी बताइएगा, ठीक है, क्योंकि जानता है बाबर कि बहुत खतरनाक होता है बारूद, ठीक है। इसी बारूद को आगे चल कर अग्नियास्त्र नाम का चलाते समय शेरशाह सूरी की भी डेथ हो जाएगी, बच्चों का आपको पता है। उसी समय वो डायलॉग भी मारेगा कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैंने सोने जैसी दौलत को, सोने से जैसे सिंहासन को छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फटाफट जल्दी से, अंटिल विक्टोरियन टाइम्स चॉकलेट वॉज थॉट ऑफ एज अ ड्रिंक, व्हेन डिड द फर्स्ट चॉकलेट बार अपीयर। विक्टोरियन समय तक चॉकलेट को एक पेय के रूप में माना जाता था, पहली चॉकलेट कब दिखाई दी, फटाफट जल्दी से मुझे बताएं, सबसे पहली बार अपन लोगों ने कब चॉकलेट का स्वाद चखा, मतलब वैसे तो कोई मतलब अजब तरीके का, अजब तरीके का क्वेश्चन है ये, मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा ध्यान रखिएगा, देर इज नो श्योर डेट, ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर, मतलब एक पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन है जो आ गया था। चलिए, टेलीफोन का आविष्कार किस दशक में हुआ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दिया आप सभी लोग, बहुत बढ़िया। और मुझे नाम का, उन पर्सन का नाम भी बताइएगा, साइंटिस्ट का नेम भी बताइएगा जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था, इन्वेंट किया था, इन्वेंट करने वाले, नो आइडिया, कोई बात नहीं, नॉट एन इशू, ठीक है भाई, फटाफट जल्दी से मुझे बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बेहतरीन।
बेहतरीन मेरे प्यारे दोस्तों, एकदम सही है। क्या आंसर होना चाहिए भाई? 1831, सोच लो, 1880 लगा तो कोई बात नहीं, महाकाल हो जाता है कभी कभी, टेंशन ना लिया करो यार भाई, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, फटाफट जल्दी मुझे बताए, फटाफट जल्दी, टाइम इज 46, कोई बात नहीं, कर देते, करो 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 करो, जल्दी से बताए, फटाफट जल्दी से बताए इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यार दोस्तों। एक बात याद रखिए, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, बिल्कुल सही, ग्राहम बेल भी याद रहेगा तभी चलेगा, अच्छा भी मैम बिल्कुल सही है, ठीक है याद रखिएगा, ग्राहम बेल ने बच्चा लोग इसको किया था, और बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो 1670s के दशक में, ठीक है 1870s के दशक में, ठीक है बच्चा लिखेगा बच्चा लोग, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, हु परफेक्टेड है ना जेनेटिक इंजीनियरिंग में, मतलब सिद्ध करने का मतलब उसे प्रूव कर दिया, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग पर एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, बता फटाफट, कौन वायर है, हंट डेविस है या सिंक्लेयर रॉबर्ट्स है या जेसन साइमंस है, बता फटाफट क्या आंसर क्या होना चाहिए बच्चा लोग। बहुत बढ़िया, डीएनए से रिलेटेड होता है, आपको पता ही है ना, डीएनए क्लोनिंग नाम सुना होगा आपने, बहुत बढ़िया, डीएनए आरएनए, बहुत सही, बेहतरीन, हमेशा याद रखिएगा, इनका नाम था स्टेनले, आपको स्टेनले तो है ही, कोहेन और हर्बर्ट HBTI, हरकोर्ट बटलर टेक्निकल इंस्टीट्यूट, अरे HBTI नहीं है, हरकोर्ट बॉयर, स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर, ठीक है दोस्तों हमेशा लिखिएगा, शॉर्ट फॉर्म इनको, इनका पूरा नाम, कोहेन का पूरा नाम बच्चा लोग स्टेनले कोहेन था और बॉयर का पूरा नाम हर्बर्ट बॉयर था, ठीक है। जेनेटिक एनर्जी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने का काम जो किसने किया है और उसे पूरी तरीके से सिद्ध करने का काम वाकई ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है, किस तरीके से डीएनए की क्लोनिंग वगैरह होती है सबसे पहले सिद्ध करने का काम हमेशा याद रखिएगा, स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने किया था। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप सो कि आप लोग इन सारे क्वेश्चन को समझे होंगे। ओके बच्चा लोग, हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर, आज बाकी थोड़ा सा टाइम ओवर हो गया, अब मेरा भी नेक्स्ट क्लास शेड्यूल है। ओके बच्चा लोग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, थैंक यू क्लास, जय हिंद जय भारत दोस्तों, ओके बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें, जिंदाबाद रहें, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करें, ठीक है, हाँ टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का भाई है ना, अच्छा फर्स्ट टाइम बता दें, अरे महाकाल कोई बात नहीं, हो जाते, कुछ क्वेश्चन सभी लोगों से नहीं होते, कुछ क्वेश्चन किसी से भी नहीं होते, कुछ क्वेश्चन सभी लोगों से होते हैं, तो हो जाता है, ठीक है, मिलते हैं अपन लोग कल, ठीक है, कल भी हम लोग क्लास करते हैं और फिर बिंदास तरीके से हम लोग नए क्वेश्चंस को लेकर के आते हैं कल के टॉपिक के साथ। वैसे काफी डाइवर्सिटी में रखने की कोशिश कर रहा हूँ, बीच में कई बजे अभी आज मैंने जो एक गांधीयन प्रिंसिपल रखा है ना, मतलब भेजा है आज, तो करीब 27 और 28 को हम लोग गांधी को डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूँ वर्सटैलिटी थोड़ी सी बनी रहनी चाहिए, हम लोग किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर सस्टेन नहीं करना चाहते, मैं चाहता हूँ ना मतलब डायवर्सिटी हो। आपको भी अगर लगता है तो आप लोग मेरे ग्रुप पर कोई बढ़िया सा टॉपिक भेजा करो, सर आप लोग उस टॉपिक पर अच्छे से MCQ करने चाहिए, बस ये है, ठीक है भाई, और बाकी होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ चलिए भाई, ओके प्यारे दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, थैंक यू क्लास, जय हिंद जय भारत दोस्तों, ओके बाय बाय, टेक केयर, ओके बच्चा लोग, ओके भाई, ओके। थ्री सिक्सटी होना चाहिए, सही कह रहे हो महाकाल, हाँ बिल्कुल होगा यार सब कुछ हो।